और एक देश भक्त के रूप में तारीख शिक्षक श्री महेंद्र कुमार जी, सीताराम जी, समस्त ये क्षेत्र के ग्रामीण स्टाफ साथी, मैं आप सभी का मान प्रदान नमस्कार करता हूँ। आज का दिन वास्तव में दिल्ली के अंदर दौरा देने वाला दिन है। रामप्रसाद जी की पक्का पोस्टिंग जो हुई है, और जी आज एकदम याद है, गर्मी की छुट्टियां थी, मेरे मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मुझे समाचार मिला पहले, और उनका फोन भी आया, सीपी जिनके साथी थे उनका थी, और इन मौका में आराम मैंने कहा आइए वेलकम। और 15 तारीख को 15/6/2017 को पूछताछ करते हुए मेरे होटल के अंदर जो मकान था वहाँ पहुँचे, हमारा बदल दूला, उसके बाद में ज्वाइनिंग की बात रही, और मैंने राणा जी को फोन किया कि भाई मैं तो यहाँ काम में जा रहा हूँ, लेकिन उनके जो पूरे कागज थे तैयार कर दिए, एप्लीकेशन ले ली, सिग्नेचर कर दिए, मैंने इनको कहा भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से वापस आइए और नेक्स्ट आप आइए तब हम रजिस्टर में साइन करवा देंगे। तो इनके साथ इनके भाई साहब थे, उन्होंने कहा बोर्ड देखना है और स्कूल देखनी कैसी है, तो मैंने कहा अब मेरा काम चल रहा, मैं अकेला था, मैं कैसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो इंद्र प्रकाश सिंह थे वो उनके भाई, और मेरी बाइक इनको थी, और उन्होंने बाइक ली और यहाँ पहुँचे ज्वाइनिंग की, उसके बाद वापस घर घूम आए चले गए। तो प्रकाश जी इनका प्रथम दिन था, उसके बाद में वापिस नया सत्र हुआ और विद्यालय की गतिविधियाँ शुरू हुई, उस समय नए लेक्चर के रूप में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहा था। और आपने क्योंकि आप में कैपेसिटी और एबिलिटी है, लेकिन वो आदमी कितना बड़ा क्यों हो, लेकिन जब उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो झिझक रहती है, काम करने से भय रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, हर इंसान में होता है। आपने पहले तो समझने का काम किया, फिर धीरे धीरे अपने क्षेत्र के अंदर घुसे, और हमारे जो कार्य से संबंधित तो चीज़ें थी उनको भी आपने सीखने का प्रयास किया, और उस समय मैं सबसे बड़े वजन में दबा हुआ था, एक तो संस्था का चारित्र, संस्था की समस्त गतिविधियां, उसके साथ साथ में
सबसे बड़ा जो काम था वो कंप्यूटर का काम था। 2015-16 के अंदर जो मैंने रातें गुजारी है वो मैं जानता हूँ और मेरे रब जानता है। और उसमें पूंजी चलती थी, पूंजी की क्या स्थिति थी वो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद 12 महीने तक तो इन्होंने अन्य कुछ काम किया और उसके बाद में उस समय गुरुद्वारा में भी आ गए तो इंचार्ज उनके पास चले गए और मेरे ऊपर जो है वही काम तो वही अर्थात वित्तीय मामले, कार्यालय संबंधी मामले और कंप्यूटर का काम मेरे ऊपर ही रहा। जब मैंने गुरुद्वारा से भी रिक्वेस्ट किया 24 दिन को, मैंने कहा फेसबुक वाला ये वित्तीय मामले वाले का ये नहीं होगा और मुझे कंप्यूटर दे दो। साला तो पूरा काम होता था वो अपने क्षेत्र के अंदर करते थे, कठिन से कठिन काम हो कर देते थे और जो कुछ चीज इनको समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं पहले सारा दर्पण के कुछ ऐसे विशेष उसके अंदर जो है टूल्स है उनको मैं कर चुका था तो मेरे से भी पूछ लेते थे और मुझे नहीं आता तो मैं भी इनसे पूछ लेता था, कोई इसमें ऐसी बात ही नहीं। तो हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा रहा और इन्होंने विद्यालय के लिए जो हमारा सारा दर्पण है बहुत बड़ा अंग है पूरा ऑनलाइन होता है उसको संभाला। और उसके साथ साथ में क्या है सबसे बड़ा काम जो था वो छात्रों की स्कॉलरशिप जो है 6 to 10 क्लास का जो छात्रवृत्ति का काम है वो इन्होंने बखूबी किया। और जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है वो भी ऑनलाइन होती है और उनको भी जो देखना करना वो मैं करता था लेकिन कभी कभी मैंने इनको भी दिया आप देख लो चेक कर लो तो ये भी करते थे और ओटीपी आती थी मैं इनको दे देता था। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया, इनके दिल में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं थी, किसी प्रकार का वो फेस वगैरह ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मिजाज कुछ अलग ही था क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रहा, मुझे ऐसी स्कूल मिली उस स्कूल के अंदर में रहा और मैं ऐसे ऐसे संस्था प्रधानों के अधीन रहा जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने जो उनको अपना आदर्श माना और उसी को अपनाने का प्रयास किया क्योंकि मुझे अच्छी स्कूल मिली तो मैं उसी स्कूल के जो अंदर जो उसके मोटो है वो लेके मैं चला था। क्योंकि राम प्रसाद जी की या अपने जो मेरे यहाँ साथ में बैठे हुए अन्य डिस्ट्रिक्ट से जो है उनकी अपनी मजबूरियाँ होती है और उनकी तहत कभी लेट भी हो जाता है और ये स्वाभाविक भी होता है। लेकिन मैं विभागीय गतिविधियों और विभागीय निर्देशों की पालना करना मेरा परम कर्तव्य होता है। तो इनकी जो सीएल होती है सरकार जो देती है 15 सीएल देती है, 8 स्मिता देती है, 20+ मेडिकल देती है। तो इनको मेडिकल भी या सीएल भी कटवानी भी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में कभी कभी इनको बुरा भी लगता था कि भाई हम बाहर से आए और बड़ा हमारे ऊपर एजेंसी बरती जाए बड़ा चाहिए लेकिन ये तो कुछ करना तो दूसरा नाराज हो जाएगा मेरे सामने से चाहिए लेकिन राम को कुछ करता तो श्याम नाराज हो जाता है, श्याम को करता तो राम नाराज हो जाता है। तो ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था करता रहता है घर का परिवार का इसके अंदर होते रहते हैं। लेकिन मेरा उनका जो एक मिजाज है वो ये है कि अंदर गांठ बांध के बैठना ये मेरे अंदर नहीं है। मुख पे आता कह देता हूँ, थोड़े समय के लिए गुस्सा कर देता हूँ लेकिन उसके बाद में भूल जाता हूँ क्योंकि ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं और उनको कहना ठोकना भी मेरा फर्जबनता है। लेकिन मैंने कभी दिल के अंदर जो है किसी के प्रति ऐसे देश की भावना नहीं रखी।
अभिनव इनका स्थानांतरण हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा विधि का विधान है, मैं कहता हूँ विधि का विधान नहीं है, ये निधि का विधान है। किसका विधान है? निधि का। निधि का विधान है दूर से जगह तक का जाना हर कोई चाहता है। मुझे खुशी है जब वो अपनों के बीच में रहता है तो इसको खुशी जो है बहुत ज्यादा मिलती है। हर इंसान अपने परिवार के पास जाना चाहता है और इनका 10 तारीख को ही सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे फोन आया कि सर मेरा स्थानांतरण हो गया। मैंने कहा मेरी कांग्रेस में सर कब आ रहे हो? सर मैं अब रवाना हो रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा। और उसी दिन रात को मेरे पास 11 बजे पहुंचे। सर मैंने आपको कष्ट दिया, मैंने कहा सर आप इतनी दूर से तो कष्ट आएगा, मैं तो घर पे बैठा हूँ। रिलीव का साथ ही आया तो यहाँ उन्होंने रिलीव बनाई। रिलीव बनाने के बाद में खाने का पूछा तो खाना बना दिया है और नाइट चार बजे सुबह तो गए।